हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, 10 ईयर ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI टेकिंग स्टॉक ऑफ जीस ट्रांजिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देखते हैं। दिस ईयर मार्क्स अ डेकेड सिंस चाइनाज एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रोजेक्ट्स द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI वॉज फर्स्ट आउटलाइन बाय सी जिनपिंग, ऐसा गुलशन सचदेवा JNU प्रोफेसर एक्सप्लेन द की एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाट वॉज द आइडिया बिहाइंड BRI एंड हाउ डिड इट रिवॉल्व ओवर ईयर्स, क्या आइडिया था चाइना का। प्रेसिडेंट सी जिनपिंग अनाउंस द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इन 2013। द बेल्ट प्लान वॉज टू रिवाइटलाइज अ सीरीज ऑफ ट्रेडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रूट्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो एशिया यूरोप के बीच में इनको कनेक्टिविटी बढ़ाना था थ्रू सेंट्रल एशिया वॉज अ की एलिमेंट। तो ये इनका की एलिमेंट है। सब्सिक्वेंटली जी अनाउंस्ड अ सी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉल्ड रोड। दिस रोड वुड कनेक्ट चाइना विथ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। द मेजर फोकस वॉज ऑन बिल्डिंग पोर्ट्स, ब्रिजेस एंड इंडस्ट्रीज कॉरिडोर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर सम टाइम्स दीज इनिशियटिव वर टूगेदर रेफर टू एज अ वन बेल्ट वन रोड इनिशियटिव। सिंस 2015 इट हैज़ बीन मोस्टली रेफर टू एज BRI। इनिशियली द BRI वॉज बेस्ड ऑन फाइव प्रिंसिपल: पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ट्रेड, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन। लेटर द सिक्स प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल कॉपरेशन वॉज एडेड। बिटवीन 2013 एंड 2018 द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड द इन्वेस्टमेंट इन BRI प्रोजेक्ट वॉज अबाउट $575 बिलियन। इंडिया हैज अरे चाइना हैज होस्टेड 3 BRI फोरम इन 2017, 19 एंड 23। दीज गैदरिंग्स अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स लीडिंग टू द साइनिंग ऑफ numerous agreements at the 10th anniversary of the initiative. The Chinese government declared that more than 150 countries and 30 international organizations could embrace the BRI. It was also reported that 3,000 BRI projects valued at $1 trillion are underway across the globe. Some countries have praised the projects, whereas India and the US have criticized. Iska status kya hai, India aur US ne isko criticize kiya hai. Building infrastructure is never risk-free. India was the first to point out issue concerning debt trap, lack of transparency and sustainability of BRI projects. Later, the US and European Union raised similar concerns, but there continues to be a huge infrastructure deficit in Global South. So despite the criticism, BRI is still an attractive proposition to many developing countries. क्या है कि आज हम, जैसे मैं बहुत अमीर हूँ, मैंने गरीब को पैसा दे दिया ढेर सारा, लोन पे बोला तुम्हारा घर मैं बना रहा हूँ, ये रहा पैसा और तुम मेरे को चुकाते रहना। कल को ये गरीब मेरे को चुका नहीं पाया, मैंने उसको गुलाम बना लिया। सिंपल सी बात, यही इसका चल रहा है। अब ये चाइना कर रहा है, ये चाइना है, ये दूसरे कंट्रीज है, ये उन कंट्री के वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनको अच्छा लग रहा है कि भाई आज हमारे पास नहीं है, होना चाहिए, और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और यही चाइना का है नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये वर्ड हमें आंसर राइटिंग में लिख देना है, नियो कॉलोनियलिज्म, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लेटेस्ट BRI फोरम सॉ लोअर अटेंडेंस, हैज एंथुसियाज्म कूल्ड ऑफ। ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द BRI प्रोजेक्ट्स हैव लर्न इन द लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन द US हैज शार्पन्ड इट्स क्रिटिसिज्म ऑन ऑफ द BRI। यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स अर्लियर लुक एट BRI positively. The EU and China, in fact, established connectivity platform in 2015. Many European leaders participated in the forum, first two forum of BRI. Of late, however, there have been growing apprehensions about Beijing intention and the way many projects are being implemented. These evolving perceptions also mirrors the European Union's reassessment of its relationship with China, Italy's recent apprehension and its possible departure from the BRI will be symbolic setback, as it was the only G7 country to formally join the initiative. So, Italy ne join kiya tha, ab Italy bhi hat gaya. What about China-Pakistan Economic Corridor, CPEC? CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. CPEC has been flagship BRI project. Pakistan is going through a difficult political and economic phase, but despite some analysts indicating that CPEC projects may create long-term
प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी, पाकिस्तान इज अनलाइकली टू अबेंडन इट। पाकिस्तान तो भाई नहीं छोड़ रहा, कटोरा लेके बैठे उसमें चिल्लर भी डाल दोगे तो वो तो कूद के ले लेगा ना। और लार्जर पार्ट ऑफ द सीपीसी इज एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, द रेस्ट आर रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ग्वादर पोर्ट। देर हैज बीन सम प्रोसेस, द सुकुर मुल्तान सेक्शन ऑफ द पेशावर कराची मोटरवे, द हवेलियन ठाकुर सेक्शन ऑफ द काराकोरम हाईवे फेज टू एंड द लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो आर ऑपरेशनल। एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग कोल फायर प्लांट्स एट सहीवाल पोर्ट कासिम आर ऑपरेशनल नाउ। अ फ्यू सीपीईसी प्रोजेक्ट्स आर लाइकली टू बी एक्सटेंडेड टू अफगानिस्तान। ठीक है, हाउ डज इंडिया व्यू द बीआरआई, इंडिया कैसे व्यू करता है? हमने पहले ही देख लिया, सबसे पहले सवाल उठाने वाला इंडिया था, मेरा प्यारा भारत। इंडिया हैज ऑलवेज हैड रिजर्वेशंस अबाउट द बीआरआई, मेनली ड्यू टू सॉवरेनिटी रिलेटेड इशू एज द सीपीईसी गोज थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंडियन ओशन। तो बात यह है, ये इंडिया का ऊपर का आप देखिए, अगर ये मैं मानता हूँ ये पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहाँ पे, इधर ने इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यहाँ पे ऊपर में चाइना, ये नीचे में इंडिया, इधर में पाकिस्तान और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कश्मीर का ही पार्ट है पर पाकिस्तान यहाँ पे लेके बैठा है। क्या हुआ, चाइना यहाँ से एक रोड ले गया है। अब ये जो जगह है, ये जगह पाकिस्तान ने उसको अलाउ किया, पर पाकिस्तान होता कौन है, जगह तो हमारी है, इसलिए इंडिया को प्रॉब्लम है। जगह हमारी तो तुम यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बनवा सकते हो, आज नहीं तो कल हम ले लेंगे और तुमको भी ले लेंगे बेटा। तो यही इंडिया की प्रॉब्लम है। चाइना स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन इंडियाज नेबर थ्रू नेबरहुड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन वेरियस पोर्ट्स इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड म्यांमार। एज कमर्शियल पोर्ट्स कुड बी इजिली कन्वर्टेड इन टू मिलिट्री यूज, दे ट्रबल्ड इंडिया। मेनी नेगेटिव डेवलपमेंट्स इन बॉर्डर इंडिया चाइना टाइज हैव ऑल्सो अफेक्टेड इंडियाज परसेप्शन ऑफ द बी आर आई। हाउएवर इंडिया हैज बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन चाइना हेडक्वार्टर इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अ मेजर चैनल फॉर बी आर आई फाइनेंसिंग विद अबाउट $10 बिलियन of borrowing, 20% of AIIB's total lending. India is top market for the agency. How does the impact standing for Xi? The BRI stands as Xi's most ambitious foreign policy endeavor. Despite criticism, it has cultivated diplomatic and geopolitical leverage for China within the global south. तो ये चीज तो बात इन्होंने बता दी। अब exam point of view से एक बार देख लेते हैं हमारे लिए क्या important हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, आप देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बीआरआई, इंडिया का क्या रोल है उसमें, मतलब रोल मतलब स्टैंड है, वर्ल्ड क्या क्या स्टैंड है और चाइना क्या चाहता है, और बीआरआई में एक जो सीपीईसी है जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड है और वो उसको पीओके एरिया से प्रोजेक्ट्स लेने दिया है, वो क्या इशू है। वर्ल्ड में मोस्टली आप क्या आ जाते हैं, यूएस एंड आपके यूरोपियन यूनियन और आपका ग्लोबल साउथ, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। आप देखिए इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्रिटिसाइज करता है, इंडिया नहीं मानता, बोलता है खराब है, फिर भी आप देखिए ये जो आपका है इंडिया एक्टिव पार्टिसिपेंट है उसमें, किसमें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में इंडिया जो है 20% ऑफ AIIB टोटल लंदन, इंडिया इज टॉप मार्केट ऑफ द एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लोग बीआरआई को नहीं मानते, ये मानते थे पहले इटली जो था G7 का इकलौता कंट्री था जो इसको पहले किया था, वो भी इससे बाहर निकल गया है तो वो भी नहीं मानता। चाइना का ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सीपीईसी पीओके लूट रहे, कटोरा है उसमें भीख दे रहे इन लोगों को, ग्लोबल साउथ से कनेक्टिविटी करना था। और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं इसका मेन है क्या, ये आप देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसको कनेक्ट करने के लिए, रूट्स बिटवीन एशिया यूरोप, कनेक्टिविटी थ्रू सेंट्रल एशिया की एलिमेंट, तो यही इसका मेन मकसद था,
सिल्क रूट बनाने का, सिल्क रोड इन इकोनॉमिक बेल्ट इन 2013 इन्होंने स्टार्ट किया था। तो यही अपना BRI टोटल हो जाता है। और हाँ, 10 साल हो गए हैं तो 2023 में, तो 2024 में अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो देख लेना, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।